राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि, तो मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि श्रीनिवास भार्गवी की कुंडली को देख रहे होते हैं और कहते हैं, ये क्या कार्य दे दिया आपने मुझे महर्षि भृगु। अब नारायण स्वयं अपनी लक्ष्मी की कुंडली पढ़ेंगे, वो जिससे मेरा अस्तित्व है, वो जिससे मेरा वर्तमान और भविष्य निर्धारित करता है, वो श्री, वो लक्ष्मी, उसकी कुंडली पढ़ेगा आप श्रीनिवास। और पढ़ के आपको बताऊंगा क्या कि आपकी भार्गवी भार्गवी नहीं, वो तो मेरी श्री है। और बताते हैं कैसे कहूँ कि यही धन लक्ष्मी है, यही मन लक्ष्मी है, यही धान लक्ष्मी है, यही प्रसन्न लक्ष्मी है, वही बुराइयों का अंत करने वाली लक्ष्मी भी है, वही व्याकुल मन को शांत करने वाली लक्ष्मी भी है, धैर्य और शौर्य का परिचय देने वाली ये लक्ष्मी, कैसे कहूँ मैं आपसे कि यही गज लक्ष्मी है, यही संतान लक्ष्मी भी है, वो संतान लक्ष्मी इसके कोख से समस्त संसार ने जन्म लिया है, ये वही मार्ग दिखाने वाली विद्या लक्ष्मी है, ये वही शत्रुओं का श्रृंगार करने वाली विजय लक्ष्मी भी है, यही विजय का भाव है, चाहे रणभूमि हो या जीवन की रणभूमि हो। कैसे बताऊं कि ये आपकी भार्गवी, ये भार्गवी नहीं मेरी श्री है, मेरी नारायणी है, मेरी अष्ट लक्ष्मी है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार वासु महाराज आकाश से कहता है, प्रणाम पिताश्री। और फिर महाराज आकाश कहते हैं, कल्याण हो, और पूछते हैं, सब मंगल तो है ना। और फिर कुमार वासु कहता है, जी पिताश्री, सारी तैयारियां अच्छे से चल रही हैं, अधिकतर पड़ोसी राज्यों में भी स्वयंवर की घोषणा कर दी गई है। और फिर महाराज आकाश कहते हैं, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ तुम्हारी कार्य कुशलता देख कर, बस ये सुनिश्चित करना पुत्र, जो कुछ भी हो श्रेष्ठता से हो। तुम्हारी तैयारियां देखकर प्रजा स्वतः ही कह उठे कि राजनीतिक संकट हो या स्वयंवर, राजा आकाश को दोनों ही कर्तव्य कुशलता से निभाने आते हैं। और फिर राजकुमार वासु कहता, अवश्य पिताश्री। और फिर महाराज आकाश चले जाते हैं और राजकुमार वासु कहता है, आप देखते जाओ पिताश्री, मैं क्या करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ये स्वयंवर तो सफल होकर ही रहेगा, मुझे तो बस मेरी भार्गवी की प्रतीक्षा है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी श्रीनिवास के समक्ष जाती हैं और कहती हैं, मुझे पता था तुम यही मिलोगे। और बताती हैं श्रीनिवास को, मैं कमल लाने के बहाने यहाँ चली आई। और कमल का पुष्प तोड़ती हैं भार्गवी और कहती हैं, देखो कितनी सुंदर लग रही है हमारी छवि इस सरोवर में। और फिर कमल का पुष्प एकत्र कर लेती है भार्गवी और श्रीनिवास का हाथ पकड़ के श्रीनिवास के ऊपर अपना सर रख लेती है और कहती हैं, तुम्हें पता है हमें साथ देखना मुझे अत्यंत भाता है, भले ही हमारा प्रतिबिंब क्यों ना हो, मन करता है कि इसी प्रकार इसे ऐसे ही देखती रहूं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, मैं आजीवन इसे देख सकता हूँ भार्गवी। फिर भार्गवी पुष्प तोड़कर एकत्र कर रही होती हैं और तभी श्रीनिवास कहते हैं, वैसे इस प्रतिबिंब को सत्य में मुझे परिवर्तित करने के लिए कुछ ना कुछ शीघ्र ही करना होगा, इससे पहले कि ऋषि भृगु का संदेह और मुझ पर बढ़ता ही जाए और उन्हें ज्ञात हो जाए कि मैं। और तभी श्रीनिवास भार्गवी को देखते हैं और भार्गवी श्रीनिवास से कहती हैं, मैं क्या श्रीनिवास, और कहती हैं, बाबा क्या जान जाएंगे। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, वो जान जाएंगे ना, वो जान जाएंगे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, और वैसे भी मैं कौन हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ जो आत्मनिर्भर नहीं है, तो तुम्हारे पिता ऐसे व्यक्ति के साथ तुम्हारा विवाह क्यों करेंगे। और फिर भार्गवी कहती हैं, तुम भी ना व्यर्थ की बातें करते हो। और श्रीनिवास कहते हैं, मैं भी ना व्यर्थ की बातें कर रहा हूँ, मैं क्या बात करता मुझे समझ नहीं आ रहा, और यही तुम्हारे पिता श्री को भी लग सकता है। और भार्गवी श्रीनिवास को देख रही होती हैं और श्रीनिवास कहते हैं आगे, ये तो व्यर्थ की बातें करता है, ये ज्योतिष विद्या के बारे में बात तो कर रहा है, लेकिन है ये व्यर्थ की बात, वो मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे तो हमारा विवाह कैसे होगा ना। और फिर भार्गवी कहती हैं, क्या इसका अर्थ है कि तुम्हें ज्योतिष विद्या नहीं आती है, ये सब तुमने ऐसे ही कर दिया। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, ऐसे कैसे सोच सकती हो तुम मेरे विषय में भार्गवी,
मुझे है थोड़ा बहुत ज्ञान है ज्योतिष विद्या के बारे में। और फिर भार्गवी कहती है, हाँ तो क्यों इतने व्याकुल हो रहे हो, ये भी किए जा रहे हो? हाँ ऐसा भी तो हो सकता है कि बाबा तुम्हारे ज्ञान से प्रसन्न हो गए हो, और क्या पता उन्होंने ये निर्णय ले लिया हो कि वो मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में रख दें, हो सकता है ना ऐसा भी। और कहती है भार्गवी, वैसे श्रीनिवास बाबा को प्रतिभा की परख है, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो स्वयं से ही थोड़े दुखी होके और जो वो नहीं देख पाए वो तुमने देख लिया। और फिर भार्गवी अपनी कुंडली उठाती हैं और कहती हैं, यदि तुमने बाबा को मेरे विवाह की तिथि अर्थात हमारे विवाह की तिथि उन्हें बता दोगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे ना। और फिर भार्गवी अपनी कुंडली श्रीनिवास के हाथ में रखती हैं और कहती हैं, तो मेरी बात मानो और बाबा को मेरे विवाह की ऐसी तिथि दे दो जिससे वो प्रसन्न भी हो जाएं और तुम्हें भी समय मिल जाए अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महर्षि भृगु अपने आश्रम में होते हैं और सभी के साथ और कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, संभव पहले ऐसा कदापि नहीं हुआ। श्रीनिवास के अनुसार पद्मावती के विवाह का शुभ मुहूर्त आज ही है और कुंडलियों के अनुसार भार्गवी और पद्मावती के विवाह की तिथि निकट ही है, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि भार्गवी का विवाह भी शीघ्र ही होगा, किंतु ये कैसे संभव है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास नटराज मंदिर में होते हैं और कहते हैं, अब महादेव आप ही बताइए मैं क्या करूं, मैं करने कुछ जाता हूँ और हो कुछ और जाता है, हर बार मैं कैसे अपने ही खेल में फंस जाता हूँ जबकि मैं सब कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है महादेव, कुछ तो बताइए मुझे। तभी गोविंद राज आ जाते हैं और कहते हैं श्रीनिवास। और फिर श्रीनिवास महादेव से कहते हैं, आपने कुछ कहा? और फिर गोविंद राज कहते हैं श्रीनिवास। और फिर श्रीनिवास कहते हैं आप, मुझे लगा। और फिर गोविंद राज कहते हैं तुम्हें क्या लगेगा, और कहते हैं लगाते तो तुम हो हर बार, पिछली बार से बड़ा झटका मुझे। और कहते हैं गोविंद राज मुझे ये बताओ कि अब ऐसा क्या करके आ गए हो तुम इसके कारण राजकुमारी पद्मावती तुम्हें संपूर्ण महल में ढूंढवा रही हैं। और तभी श्रीनिवास कहते हैं आपने राजकुमारी पद्मावती को मेरे विषय में कुछ बताया तो नहीं। और फिर गोविंद राज कहते हैं अरे जब मुझे कुछ पता होगा तब तो मैं उन्हें कुछ बता पाऊंगा ना, मुझे तो ये तक ज्ञात नहीं था कि ज्योतिष शास्त्र में ऋषि भृगु की गणना से भी अधिक उत्तम गणना करके तुमने उन्हें प्रभावित कर दिया। और कहते गोविंद राज सत्य है ये? और श्रीनिवास कहते हैं हाँ। और फिर गोविंद राज कहते हैं वाह वाह, मुझे तो तुम्हारी इस कला इस ज्ञान के विषय में ज्ञात ही नहीं था। और कहते हैं बाबा ये महादेव आपकी कैसी कृपा, ये तो नृत्य करने की बात है। और तभी श्रीनिवास कहते गोविंद राज छोड़िए ना, ये सब क्या है। और तभी गोविंद राज कहते हैं अरे इतनी प्रसन्नता की बात है, ऐसे कैसे छोड़ दूं भाई, एक और राजकुमारी पद्मावती का स्वयंवर होगा, दूसरी और ऋषि भृगु भार्गवी का हाथ तुम्हारे हाथों में देंगे, आनंद की बात है। और नृत्य करने लगते गोविंद राज। और फिर श्रीनिवास कहते हैं नहीं सुनिए। और कहते हैं श्रीनिवास इतना सरल नहीं है सब। और फिर गोविंद राज कहते हैं क्यों सरल क्यों नहीं है। और फिर श्रीनिवास भार्गवी की कुंडली निकालते हैं और कहते हैं ऋषि भृगु ने भार्गवी की कुंडली मुझे दी है और मुझसे कहा है भार्गवी के विवाह की तिथि निकालने को, और यदि मैंने अनुचित तिथि निकाली तो मुझे राज्य छोड़कर जाना होगा। और फिर गोविंद राज कहते हैं तो अब तुम क्या करोगे। और फिर श्रीनिवास कहते हैं वही तो सोचने के लिए यहाँ आकर बैठा हूँ मैं। और फिर गोविंद राज कहते हैं हाँ सोचो सोचो। और कहते हैं हे महादेव तनिक कृपा कीजिए, थोड़ी सहायता कर दीजिए ना। और फिर श्रीनिवास कुंडली देख रहे होते हैं और गोविंद राज कहते हैं श्री एक कुंडली तो तुम ले आए हो, किंतु एक कुंडली विज्ञान ज्योतिष शास्त्र ये सब तुम्हें आता तो है ना। और श्रीनिवास कहते हैं थोड़ी बहुत आती है। और फिर गोविंद राज कहते हैं थोड़ी बहुत के आधार पर तुम महान ज्योतिष ऋषि भृगु से टकरा गए। और तभी भार्गवी की सखियां आ जाती हैं और कहती हैं श्रीनिवास तुम यहाँ हो और हम कब से तुम्हें पूरे महल में ढूंढ रहे हैं, राजकुमारी को तुमसे इसी क्षण मिलना है, चलो हमारे साथ। और फिर श्रीनिवास प्रसन्न होकर कहते हैं नहीं मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं नहीं आ सकता। और कहते श्रीनिवास मैं गोविंद राज के कार्यों में व्यस्त हूँ, मैं नहीं आ सकता। और तभी गोविंद राज कहते हैं
अत्यंत प्रसन्न हो कि अरे मेरा क्या कार्य है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।